खबर से बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है, जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। ये बड़ी खबर छतरपुर से, मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बोरवेल में बच्चे के गिरने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 5 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। खेलते समय बोरवेल में गिरा बच्चा, छतरपुर की खबर। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच चुके हैं, लगातार अब सर्च ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया है, छतरपुर की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबरें देखने को मिल चुकी है बोरवेल में जिस तरीके से बच्चे गिरे हैं, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये खबर सामने आ रही है। बोरवेल में 5 साल का बच्चा गिर गया है, भारी भीड़ मौके पर मौजूद है, ग्रामीण मौके पर मौजूद है। खेलते समय ये बड़ा हादसा हो गया और बच्चा बोरवेल में जा गिरा, एक मासूम, 5 साल उम्र बताई जा रही है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इस वक्त मौजूद है, ये बड़ी खबर। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, अब लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 साल के मासूम को बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है। ये छतरपुर से खबर, मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर 5 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने से की खबर सामने आई है। 5 साल उम्र बताई जा रही है, ग्रामीण इस वक्त वहां पर तैनात है, भारी हलचल देखने को मिल रही है। खेलते समय यह बड़ा हादसा हुआ और बोरवेल में बच्चा गिर गया। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अपडेट है आपके पास? 5 साल का मासूम बोरवेल में गिरा है। जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर के नजदीकी गांव पठापुर और नारायणपुरा के बीच में रास्ता मार्ग पड़ता है। उसी दौरान रास्ते में खेत पर बोरवेल खुला हुआ था, उसी दौरान तकरीबन 5 साल के आसपास का बच्चा बताया जा रहा है जो कि बोरवेल में गिर गया, और भारी बारिश हो रही है जिस कारण से आवागमन में भी थोड़ी असुविधा हो रही है, और प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर आ चुका है और जेसीबी भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन भारी बारिश होने के कारण आवागमन में। पवन, अब सवाल यही उठता है कितना और वक्त लगेगा मासूम को निकालने में? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि लगातार तेज बारिश और हवा चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं असुविधा तो हो ही रही है, और देखा होगा प्रशासन कितना क्या प्रयास कर पा रहा है, ये बड़ी बात होगी। जी पवन, ऐसे में ये बोरवेल कैसे खुला था, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ? बताया जा रहा है कि बोरवेल हुआ था, उसके बाद धकेल पाया था, खेत में खेल रहा था और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। हालांकि लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, भीड़ भी एकत्रित हो रही थी, लेकिन वजह यह है कि पानी आ गया, पानी के कारण तमाम जो असुविधा है वो देखने को मिल रही है और बारिश भी लगातार होती जा रही है। जी ठीक पवन, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से छतरपुर से खबर सामने आई है, 5 साल का मासूम जो है बोरवेल में गिर चुका है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, ग्रामीण इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं, और बोरवेल में बच्चा जिस तरीके से गिरा है, बच्चा खेल रहा था और इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हो गया, खेलते समय हादसा हुआ है, बच्चा गिर गया है, परिजनों का बुरा हाल है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हुए और इसी के साथ पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। लगातार हमारे साथ डीएम संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, फिलहाल किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है? ये अपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो है वो पहुंच रही है वहां पे, हम लोगों ने जेसीबी और रेस्क्यू की टीम जो है प्लान कर ली है, रेस्क्यू फैमिली हम लोग होल ड्रिल करके प्लानिंग टू ट्राई एंड रेस्क्यू द चाइल्ड। सर, और कितना वक्त लगेगा बाहर निकालने में बच्चे को? हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी करें। नमस्कार। तो आपने डीएम को सुना, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रयास लगातार जारी है, बच्चों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाएगी और सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। आपने खुद डीएम को सुना, आपको बता दें कि बोरवेल में 5 साल का बच्चा गिर गया है और बड़ी लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खेलते समय ये बड़ा हादसा हुआ और आपको बता दें कि परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल है, लेकिन पुलिस बल इस वक्त मौके पर तैनात है, सर्च ऑपरेशन जारी है, बच्चे को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है। अभी खुद हमारे साथ डीएम जुड़े हुए थे संदीप जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बच्चे को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है और जल्द ही बच्चे को निकाला जाएगा। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें में आप लगातार आप तक पहुंचा रहे, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात और ग्रामीण भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और समय लगेगा। ये देखिए, इसी बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा है, खेलते समय यह हादसा हुआ है और साफ तौर पर लापरवाही भी कही जा सकती है। भारी संख्या में इस वक्त ग्रामीण मौजूद है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं मासूम को निकालने की।
तो मध्य प्रदेश के छतरपुर की बड़ी खबर, जहां पर बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलते समय ये बड़ा हादसा हुआ। और लगातार अब मासूम को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर, खेलते समय बोरवेल में बच्चा गिर गया और ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद है और लगातार अब बच्चों को निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है। और आपको बता दें कि कुछ वक्त और लगेगा बच्चों को बाहर निकालने में। बच्चे की उम्र महज 5 साल बताई जा रही है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, अपने आप में आपको बता दें कि बेहद चिंता की बात भी है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरवेल जो है ओपन बोरवेल है और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। खेलते समय बोरवेल में बच्चा गिर गया, अपने आप में साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिली है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात और बच्चे को निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।